अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुस्कान और आज हम प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ेंगे सर्कल द बबल। हमारा इंग्लिश का पेज नंबर है 9। इसमें हमें सवाल दिया हुआ है सर्कल द बबल्स। यहाँ हमारे पास पूरी एबीसीडी राइट हुई हुई है ए टू जेड। अब आप सबको पता है कि बबल्स कितने होते हैं, 5 बबल्स होते हैं। तो हमें इस एबीसीडी में बबल्स को ढूंढ के सर्कल करना है, ठीक है बेटा। तो अब आप सब मेरे साथ बताएं कि फर्स्ट बबल क्या है। हम पहला बबल क्या पढ़ते हैं, ए। तो अब आप देखें एबीसीडी में ए कहाँ आ रहा है, फर्स्ट। तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कल। आप सब मेरे साथ रीड करें। अब बबल्स का दूसरा लेटर क्या आता है, ए, ई आता है। अब आप चेक करेंगे कि ई कहाँ है, ठीक है बेटा। डी के फॉर्म का ई है तो हम यहाँ पे ई सर्कल कर देंगे। आप सब भी अपनी कॉपी बुक में इस तरीके से सर्कल करेंगे, ठीक है। अब ई के बाद थर्ड लेटर क्या आता है बबल्स में, ए, ई, आई। अब हम यहाँ आई चेक करेंगे, ये रहा आई, आई पे सर्कल कर देंगे, ठीक है। आई हो गया। अब बबल्स में ई, ए, ई, एन के बाद क्या आता है, ओ। अब यहाँ हम ओ चेक करेंगे, ओ कहाँ है, एन के बाद ओ आता है, तो हम ओ को सर्कल कर देंगे। आप सभी मेरे साथ साथ पढ़िएगा कि कहाँ पे ओ आ रहा है वहां सर्कल कर रहे, ए, ई, आई, ओ। ओ हो गया। अब फोर्थ लेटर कौन सा है जो बबल्स में आता है, हमें लास्ट में इसको ढूंढ के सर्कल करना है। तो यहाँ चेक करेंगे एस टी यू, यहाँ हम यू पे सर्कल कर देंगे, ठीक है बेटा। ये था हमारा आज का सर्कल ऑफ बबल्स। यहाँ पूरी एबीसीडी राइट हुई थी जिसमें से आपको बबल्स लेटर ढूंढने और ढूंढ के उनके ऊपर सर्कल करना है। बबल्स आपको पता है क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, ओके बेटा। ठीक है बेटो, पहले जो हमारे पास था उसमें एबीसीडी कंप्लीट राइट हुई हुई थी और उसमें हमें बबल्स को सर्कल करना था। अभी ही हमारे पास एबीसीडी कंप्लीट राइट हुई हुई ए टू जेड। अब हमें क्या करना है, सर्कल द कंटेंट। इसका मतलब है अब हमें बबल्स वाले लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स हैं उन सबको क्या करना है, सर्कल करना। फर्स्ट लेटर हमारे पास ए आ रहा है, ये बबल का आ रहा है तो हमें ये सर्कल नहीं करना। सेकेंड बी, इसको सर्कल करना है। सी को करना है, डी को करना है। अब हमारे पास ई आ गया, ई बबल्स में आता है तो हमें सर्कल नहीं करना है। एफ, जी, एच। अब यहाँ आई आ गया, आई भी बबल्स में आता है तो हमें ये भी सर्कल नहीं करना। जे, के, एल, एम, एन, ओ। ओ बबल्स के अंदर आता है तो हमें ओ सर्कल नहीं करना, ठीक है बेटा। अब आगे पी, क्यू, आर, एस, ठीक है बेटा। हमने पी क्यू आर सर्कल किया। अब एस टी, अब आ गया यू। यू आता है बबल में, ए, ई, आई, ओ, यू। यू यू को छोड़ के हम आगे डी को सर्कल करेंगे, डब्ल्यू को करेंगे, एक्स को करेंगे, वाई को सर्कल करेंगे और लास्ट जेड को भी सर्कल करेंगे। तो हमारा जो सवाल था सर्कल का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये था कि एबीसीडी में अब जो हमारे पास बबल्स थे उन्हें छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स एबीसीडी में आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें सर्कल का बबल, उसमें हमें बबल्स को सर्कल करना था और बाकी जितने भी लेटर्स थे उनको छोड़ देना था, ठीक है। आप सबको समझ आया होगा, घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी भी काम कीजिएगा।